नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। प्रोफेसर ने की भविष्यवाणी, बीजेपी को मिलेगी 300 सीटें तो कर दिया निलंबित। मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को फेसबुक पर भाजपा को लोकसभा चुनाव में 300 सीटें मिलने की भविष्यवाणी करनी महंगी पड़ गई है। प्रोफेसर राजेश्वर शास्त्री मुसलगांवकर को निलंबित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय सूत्रों का कहना है, ज्योति विज्ञान अध्ययन शाला की अध्यक्ष मुसलगांवकर ने 28 अप्रैल को फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, भाजपा 300 के पास और NDA 300 के पार, इसे चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे और पांचवें चरण में मध्य प्रदेश में 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव 12 मई और सातवें चरण का चुनाव 19 मई को होगा। लोकसभा चुनाव का परिणाम 23 मई को घोषित किया जाएगा। राजीव गांधी हत्याकांड दोषियों को रिहा करने का विरोध करने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार की 2014 के फैसले का विरोध करने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ 1991 में मारे गए लोगों के परिजनों ने याचिका दायर कर तमिलनाडु सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, इस मामले से जुड़े संविधान पीठ के फैसले में सभी पहलुओं पर विचार किया गया था, इसलिए इस मामले में कुछ नहीं बचा है। तत्कालीन जयललिता सरकार ने 2014 में मामले के 7 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपुरम दूर में 21 मई 2091 को हत्या कर दी गई थी। जो लोग केंद्र में एक खिचड़ी सरकार चाहते हैं, उन्हें सावधान रहना जरूरी है, पीएम मोदी। जो लोग केंद्र में एक खिचड़ी सरकार चाहते हैं, महामिलावट वाली सरकार चाहते हैं, उनसे सावधान रहना बहुत आवश्यक है। एक महामिलावटी सरकार का मतलब देश में अराजकता और अस्थिरता। इन लोगों द्वारा फैलाई अस्थिरता देश ने 20 वर्ष पहले भी देखी थी, जब देश में संयुक्त मोर्चा नाम की सरकार थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश को बार बार चुनाव का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात गुरुवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आयोजित एक जनसभा में कही थी। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।